हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डे नाइट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज जो है सेकंड चल रहे थे और आज हम लोग आगे करेंगे। आप लोग का पता हो चल गया होगा, झारखंड पीजीटी यानी जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोग का संभाविक जो टेंटेटिव डेट है वो दे दिया गया है 18/8/2023 से लेकर 10/9/2023 के बीच में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर सेकंड चल रहे थे और आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन नंबर यहां आपको देखने को मिल रहा है वो है क्वेश्चन, देख सकते हैं 31 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए और जो है आपको जो है टेस्ट सीरीज जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप जो है देखिए। ठीक है, एक एक करके आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। जितना सेट कराने जा रहा हूँ उसका पूरा सेट करा देता हूँ तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए आइए हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 31। और 31 जो है, ठीक है, और नोटिफिकेशन सुन के आप लोग का अच्छा भी लगता होगा। तो देखिए पहला यहाँ अगर हम लोग देखें 31 की, द लीडर ऑफ द डिकेडेंट मूवमेंट ही ज्वाइंट हैंड्स विद हेनरी हाइलैंड इन ब्रिंगिंग आउट ए प्रेडिकल द येलो बुक आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। पहला है यहाँ देखिए आरे बियर्ड्सले और अर्थस सिमोंस और वास्कर वाइट और यर्नस्ट डॉसन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, क्योंकि अब टॉप क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मतलब जो आते हैं बस वही सेट बनाया गया। तो देखिए ये जो है इसका आंसर क्या होगा 21 का, तो ये आंसर होगा, ठीक है, और बियर्ड्सले यानी ए राइट ऑप्शन है। द पॉइंट हु रॉट, ठीक है, ब्रेक रूम बायलेट्स एंड द सेवन सीज इज, तो बताएंगे कि जो पोएट है कौन लिखा है ये दोनों, ठीक है, पोएम दोनों है। तो ये जो है वर्क है, समझिए ये वर्क है ना। तो किसने लिखा, डब्ल्यू ई हेनले, जी एम होपकिंस और रुडयार्ड किपलिंग और एलिस मैनेल, ठीक है, मैनेल। तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहले बोल रहे थे कि बहुत आसान प्रश्न है, बताइए क्या होगा, आसान है या शायद, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी सी रुडयार्ड किपलिंग। ओके, तो ये है, ये वर्क समझिए, पोएम नहीं, रुडयार्ड किपलिंग है ना, बायलेड है, देखिए बायलेड है और द सिक्स सीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रॉट इन मेमोरियम, ठीक है, एट द डेथ ऑफ, किसके डेथ पर लिखा था, हेलम के डेथ, बायरन, वर्ड्सवर्थ और पी वी सेली। तो आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर, वो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 है ना, द प्रिंसेस 1847 इज रिटन इन, बताएंगे रोमांटिक स्टाइल, एपिक स्टाइल, मॉक हीरोइक स्टाइल और कॉमिक स्टाइल। तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉक हीरोइक कॉमिक स्टाइल। आप लोग जल्दी बताएंगे कौन वाला आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए जल्दी, आप लोग जुड़े हैं और जो है आप लोग जो है कमेंट कीजिए अपना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉक हीरोइक स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द टेनिसन द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, सो देयर, ठीक है, देयर लिव्स मोर फैथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द कैरी, ठीक है, कैरीड। तो देखिए इन मेमोरियम है, मोड है
और द आइडल्स ऑफ किंग है और डोरा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बताएंगे जल्दी और इसका आंसर हो जाएगा इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेमोरियम वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुआ था? तो 50 में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे, ठीक है, 1855 है, 1850 है, 1854 है और 60 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा गया है ना, पब्लिश्ड की बात है। तो देखिए इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी जो है आपको 1850 की बात की गई, मतलब पब्लिश्ड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हाउ मैनी पोम्स आर देयर इन आइडल, ठीक है, द आइडल्स ऑफ द किंग, यानी आइडल्स ऑफ द किंग में कितने पोएम्स हैं? तो देखिए 12 है, 10, 11 है, 10 है, 15 है। तो इसका राइट हो जाएगा क्या बताएंगे, इसका राइट कितने क्या हो जाएगा, इसका 12 पोएम्स है, ठीक है, कितने हैं 12 पोएम्स, यानी ए राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं, द लास्ट पोएम रिटेन बाय टेनिसन इन एंटीसिपेशंस ऑफ हिज डेथ इज, तो देखिए लॉक्सले हॉल है, मॉड है और द ड्रीमर और ठीक है ओएनॉन है। तो इसका लास्ट जो इसका वर्क था यानी लास्ट पोएम जो था वो क्या था, तो पोएम में देखिए बताइए, तो 38 का क्या हो जाएगा, ठीक है, द ड्रीमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोएट अबाउट होम, ठीक है, ये होम है, इट कैन बी सेड दैट ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट अमंग इंग्लिश क्रिटिक एंड द ग्रेटेस्ट क्रिटिक अमंग इंग्लिश पोएट्स। तो बताएंगे ये कौन है, कॉलेरिज है, ड्राइडन है, मैथ्यू अर्नोल्ड है और डॉक्टर जॉनसन है। तो ये क्या है बताइए। तो इसका क्रिटिक के बात किया गया है तो मैथ्यू अर्नोल्ड ही होना चाहिए। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है हम लोगों के पास 40 क्वेश्चन, विच पोम्स ऑफ अर्नोल्ड कंटेंस थ्री लाइन्स, हैथ, ठीक है, हैथ नेदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सैटिट्यूड एंड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। तो यहाँ है डेथ, ठीक है, डॉर ब्रिज है, स्कॉलर जिप्सी है, रवि चप्पल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताएंगे। आप लोग बोल रहे थे बहुत इजी प्रश्न है, देखिए इजी आ रहा है। देखिए सभी प्रकार का प्रश्न सेट होता है, ऐसा थोड़ी है कि सब इजी रहेगा और नहीं तो सब हार्ड रहेगा, ऐसा में जानते हो क्या हो जाएगा से। चलिए डॉवर ब्रिज आंसर हो जाएगा, ठीक है, डॉवर ब्रिज क्या है, डॉवर बीच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट टेनिसन दैट ही इज डिसाइडली द ग्रेटेस्ट पोएट आवर, ठीक है, आवर लिविंग पोएट्स, ग्रेटेस्ट पोएट आवर लिविंग पोएट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, किट्स और मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन होगा मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर आ गए हैं, ठीक है। हु प्रोपागेटेड द आइडिया ऑफ हाई सेंसुअस एंड ग्रैंड स्टाइल इन पोएट्री। तो देखिए यहाँ स्पेंसर है, बायरन है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, एस्कॉट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या बताएंगे, तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
व्हाट एडवोकेटेड डिसइंटरेस्टेडनेस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. टी एस एलियट, अरिस्टोटल, मैथ्यू अर्नोल्ड और नॉन ऑफ दिज. तो क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेडनेस. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे जल्दी. राइट ऑप्शन इसका सी होगा, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड. चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर अगर हम लोग चलते हैं तो 44 में आ जाते हैं. 44 क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पोम्स इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड ऑब्सक्योर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. देखियो क्या है, सबसे ज़्यादा ठीक ना ऑब्सक्योर है तो ये हो जाएगा सॉर्डेलो ही होना चाहिए. तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सॉर्डेलो है, पीपर्ड पेपर है, लॉस्ट लीडर, द लास्ट प्रिंसेस है, क्या मिस्ट्रेस. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बोलिए. अब आप लोग का समय चालू होता है और समय आपको समाप्त हो जाता है और आंसर आपका हो जाता है ए नंबर, सॉर्डेलो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए. रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या था, फिलोसोफर, मोरालिस्टिक, टीचर और सेटरिस्टिक. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये क्या है बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका है ना बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है 44 का राइट आंसर जल्दी कोई बताएंगे. चलिए इसका आंसर हो जाएगा सॉर्डेलो. ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्डेलो. ठीक है, यानी 44 में. आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए, ये तो बता दी थे. क्या था ये, और ये दो बार पढ़ना पड़ा, यानी ये हो गया फिलोसोफर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर यहाँ तक कर लिए थे ना. चलिए आइडेंटिफाई क्या है, आइडेंटिफाई द पोएम रिटेन बाय अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेंट्स द फॉलोइंग लाइन. तो देखिए है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड टू एल्ड. टू ठीक है, नॉट टू एल्ड. तो मॉड है, यूलिसेस है, मेमोरियम है, लॉक्सले हॉल. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए. इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन बी होगा. ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा. और बी क्या है, यूलिसेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 47. वन ऑफ द विक्टोरियन पोएट्स हु वाज इंटरेस्टेड इन इंसिडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉल. तो इस तरह से था. तो यहाँ जो है ऑप्शन है अल्फ्रेड टेनिसन, नेक्स्ट है स्विनबर्न, नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, क्या हो जाएगा बताएंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग. चलिए नेक्स्ट है इसका, लॉन्गेस्ट पोयम इन द इंग्लिश लिटरेचर और रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो सबसे जो है अगर हम लॉस्ट लीडर देखें या भ्री हुए देखें या द रिंग है, तो इसका तो होगा नहीं, द रिंग द अदर है और लॉस्ट लीडर होगा. यानी इसका राइट जो है ऑप्शन जो है सी में चला जाना चाहिए. देख लेते हैं सी नहीं किस में जाएगा. ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपको चला जाएगा और ये बी में चला जाएगा, सी नहीं, द रिंग ऑफ. ठीक है, रिंग द रिंग एंड द बुक, यानी 48 की बात है. ठीक है, 48 में क्या है आपका, बी राइट है. चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स रिटन ब्राउनिंग कंटेन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ल्ड एज गॉड हैड मेड इट एंड लोन. ठीक है, लोन इज ड्यूटी. सॉर्डेलो, अड्रा डिल्स सर्थो और गार्डियन. ठीक है, गार्डियन
एंजल और द लास्ट राइट टुगेदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, गार्डियन गार्जियन एंजल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, मॉड वाज रिटेन बाय ब्रॉनिंग मेथ्योरनल अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एज यू। तो मॉड किसने लिखा है, तो यहाँ रॉबर्ट क्यों लिखा है, चलिए आप लोग जल्दी बताएंगे और आप लोग को बताएंगे जल्दी। तो इसका 50 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी होगा। बी क्या है, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 51 की ओर। इन द पोम सच एज फारा लिपो लिपी एंड एंड्रिया, ठीक है, एंड्रिया डेल सार्ता सार्तो, ब्रॉनिंग रिफ्लेक्ट्स हिज लव फॉर, ब्रॉनिंग जो है किसके रिफ्लेक्ट क्या है, ग्रीस के, स्पेन के और इटली अबव एंड नॉन ऑफ दिज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 51 का बताएंगे, कोई है अभी तक जागा हुआ, सी इसका राइट ऑप्शन होगा, इटलियन, ठीक है, इटलियन अबव। नेक्स्ट प्रश्न है, विच सॉरी वाइट वाइट सिव सिस्टर हेलेन और, ठीक है, एडन बावर, एडन बावर आर डीजी रोस्टिस फेमस, ठीक है, इसका नोबल है, ठीक है, डीजे रोस्टिस फेमस, क्या फेमस है, नोबल है, एलेजी है, सोनेट है, वायलेट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, आप लोग बता कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है क्यों, इसी के चलते कि आप जो है देखिएगा सुनिएगा समझिएगा तभी होगा। तो ये क्या है, ये आपका जो है वायलेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम 53 के बात करें तो 53 दिख रहा है, हु गेव ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ आरेट, ठीक है, आरेट फॉर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म सोसाइटी एंड साइंग, नो वन कुड गो ऑन पेंटिंग पिक्चर्स इन ए बर्निंग हाउस, रस्क, देखिए रोजेटी और रस्किंग, कार्लेली, अर्नोल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है, 53 का बी। चलिए नेक्स्ट का आगे बढ़ते हैं, 53 तक पहुंच गए। 55, व्हाट डज ओलिवर डू इन ऑर्डर टू कन्विंस चार्ल्स टू कैरी आउट हिज प्लान टू किल ऑरलैंडो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, क्राइज है, लाइज है और नाइट्स, ठीक है, नाइट्स हिम और पेज हिम। तो इसका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाता है, और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बोलिए, आप लोग का देख रहे हैं, चलिए देख लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉर व्हाट रीजन डज ओलिवर हैट हिज ब्रदर ऑरलैंडो, ठीक है, क्या कारण था कि ओलिवर जो अपने भाई को ऑरलैंडो को हैट करता है। तो ये जो था, ऑरलैंडो इज़ बेटर लुकिंग, ऑरलैंडो इज स्ट्रॉन्गर, ऑरलैंडो इज लाइक हिज फादर, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ 55 का डी आंसर। चलिए डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिप्रेसेस रोजालिंड एट द बिगिनिंग एक्ट वन और सीन टू, यानी क्या है जो शुरुआत में, क्या चीज़ जो रोजालिंड को डिप्रेस करती है, तो देखिए है ना, सी हैड्स ड्यूक फैड्रिक, सी हैड्स टू कॉट एंड सी एंड सी लेड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर फादर बनिशमेंट हो जाएगा, ठीक है, बनिस्ट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन 56 का आप लोग बताएंगे तो डी हो जाएगा। चलिए दिख रहा है डी हो गया, ठीक है, 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 है,
What does Celia promise Rosalind will happen when her father Dick Frederick die? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ है, पढ़ते जाइए. रोजालिन एंड ऑरलैंडो विल बी अलाउड टू मैरी, इस प्रकार से. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी है, रोजालिन फादर्स फॉर्चून विल बी रिस्टोर्ड. चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में. 58 आ गए हैं और 58 में है, हु इज द कॉट फुल, एडम, टेनिस, चार्ल्स रेसलर और टच स्टोन. तो इसका राइट क्या हो जाएगा, टच स्टोन हो जाएगा. 50 क्या है, 58 का क्या होगा बताइए आप लोग, तो इसका जो है टच स्टोन हो जाएगा. नेक्स्ट प्रश्न है, हु मेड सर्चिंग अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सीन एंड एडिनबर्ग रिव्यू थ्रू हिज सेटायर इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स. देखिए इसका शैली है बायरन है, स्कॉट है, हैजलेट है, तो ये राइट ऑप्शन होगा. ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, एंड इसका बायरन होगा, माने बायरन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 में आ जाते हैं. आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, है ना, विच इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु कमेंट, ठीक है, कमेंटेड दस वन हिज सडन सक्सेस एज ए पॉइंट. तो देखिए ये कौन है, पी बी शैली है ना, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बोलिए आप लोग. चलिए बोल लिए होंगे, कमेंट देखते हैं कौन कौन कर रहे हैं, सब सो गए क्या. तो इसका जो है कौन होंगे, तो इसका डी होगा, बायरन. ठीक है, क्या हो जाएगा, बायरन. तो आगे हम लोग इसी सीरीज को आगे हम लोग करेंगे, इसी आज जो है हम लोग यहीं तक एंड करते हैं. और चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है. पूरी झारखंड पीजीटी का पूरी सिलेबस कवर किया जा रहा है, डेली 1x1 चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चालू है. ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे. ठीक है, थैंक यू.